सब्सक्राइब कीजिए एमडी किचन चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट रेसिपी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं मनीषा दलाल एमडी किचन चैनल में आज आपका स्वागत कर आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पास्ता, जिसके लिए हमें चाहिए कैप्सिकम, गाजर, ऑनियन और एक मिर्च ली है, तीखा मिर्च ली है, पास्ता, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर मिक्स किया हुआ, तेल, बटर ऑप्शनल है, नमक और धनिया। चलिए शुरू करते हैं वेजिटेबल पास्ता बनाना। जिसके लिए हमें पैन लेना है। पैन में सबसे पहले एक चम्मच तेल लेना है। तेल के साथ हमें थोड़ा सा बटर लेना है। हमें गैस की आंच मीडियम फास्ट रखनी है। तेल होते ही हमें ऑनियन और जो तीखा मिर्ची लिया है वो लेना है। गैस की आंच फास्ट कर देनी है ऑनियन एकदम ज़्यादा पकाना नहीं है, उसका कच्चापन दूर करना है। जैसे ही हमारा इसका पानी छूट जाए और कच्चापन दूर हो जाए, थोड़ा सा उसका रंग चेंज होने लगे, उस हिसाब से हमें उसको स्टर फ्राई करना है। गैस की आंच मीडियम फास्ट रखिए। ऑनियन होते ही कैप्सिकम और गाजर डाल दीजिए। आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप एक की जगह दो तीखा मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक तीखा मिर्ची लिया है क्योंकि ये जो पास्ता है तीखा अच्छा लगता है। गैस की आंच मीडियम फास्ट रखिए। ये हमें सब्जी ज़्यादा पकानी नहीं है, ये जो सब्जी है सब हम ऐसे ही सलाद में भी खा सकते हैं, वही सब्जी हमने ली है। फिर गैस की आंच स्लो कर दीजिए और बाद में हमें जो हमने सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर मिक्स करके रखा है वो दो चम्मच लेना है। दो बड़ा चम्मच आप ले सकते हैं, मैंने यहाँ दो बड़े चम्मच लिए हैं। और इसी स्टेज पे हमने थोड़ा सा नमक डाल देना है हमारे सब्जी के लिए, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि सोया सॉस हमने जिस डाला है वो सोया सॉस में भी नमक होता है। गैस की आंच मीडियम फास्ट रखिए। और उसमें एक चम्मच जितना आप पानी डालिए, ज़्यादा पानी नहीं डालिए क्योंकि हमारा जो सॉस जल न जाए वो हमें ध्यान रखना है। इस हिसाब से हमें सिर्फ एक चम्मच जितना पानी डाल लेना है क्योंकि जो हमने मसाले किए हैं वो जल ना जाए। इस गैस की आंच मीडियम फास्ट रखिए। देखिए हो गया है हमारा ये सॉस। अब जो हमने पास्ते उबाल के रखे थे वो डाल देना है। आप चाहे तो आप इस स्टेज पे चीज़ डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे चीज़ नहीं डाल रही हूँ। इसी स्टेज पे हमें थोड़ा सा बटर जो हमने बचा के रखा था वो डाल लेना है, जिससे हमें क्रीमी और टेस्टी लगे। और पास्ते उबालते टाइम भी हमने नमक डाला है तो नमक आप संभाल के डालिए क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, आप चीज़ डाल रहे हैं तो चीज़ में भी नमक होता है, उस हिसाब से सब्जी के हिसाब से ही आप नमक डालिए। हमारा पास्ता रेडी हो गया है। गैस की आंच स्लो कर दीजिए, उसे एक मिनट होने दीजिए। अभी हमारा पास्ता सर्व करने के लिए रेडी है। हमारा पास्ता रेडी है सर्व करने के लिए। मैं इसके ऊपर धनिया डाल रही हूँ और थोड़ा सा बटर इसमें ऊपर से आप डाल सकते हैं। देखिए हमारे पास्ते खाने के लिए तैयार हैं। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।